अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। जनवरी में हो सकता है उपचुनाव। बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ की याचिका वापसी को लखनऊ हाईकोर्ट ने किया मंजूर। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है याचिका। बहराइच हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया है जवाब। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का 2 करोड़ का फ्लैट हुआ कुर्क। लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर में स्थित है फ्लैट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भयंकर हादसा। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टरों की मौत। सभी डॉक्टर कार से लखनऊ से जा रहे थे आगरा। प्रदेश में पान मसाला इंडस्ट्री पर शासन का टूटा कहर। लखनऊ कानपुर सहित अन्य जिलों में बनने वाले पान मसाला इकाइयों के बाहर 24 घंटे शिफ्ट वार ड्यूटी में तैनात रहेंगे अधिकारी। यूपी में अधूरे पुलों के पहुंच मार्ग पर बनेगी 1.5 मीटर ऊंची दीवार। बरेली हादसे के बाद शासन ने लिया फैसला। यूपी में कोहरे से लुढ़का पारा। दिन के तापमान में भी गिरावट आनी हुई शुरू। बिगड़ा ट्रेनों और विमानों का संचालन। भगवान श्री राम की अयोध्या से जनकपुर के लिए निकली भव्य बारात। माँ सीता को लेने जनकपुर चले प्रभु श्री राम। IPL में ऋषभ पंत बने सबसे महंगे खिलाड़ी। खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी पूरी रकम। भारतीय खिलाड़ियों को 10% तो विदेशी प्लेयर्स को देना होगा 2 गुना टैक्स।